शहर में, ओके तो मैंने पानी बॉयल करने तो रख दिया, उसके अंदर नमक डालना है और ये दाल चावल मिक्स करके हमें सोक करना है पानी में। तो ये रचिति प्लीज आप करोगे? ये लो और मुझे पानी भी देना सोक करने। हाँ। ये सब क्या हो रहा है किचन में? मम्मा आप यहाँ क्या कर रहे हैं नीचे? आप चलिए अपने बेडरूम में चलिए। प्लीज मामा आराम कीजिए ना। एक मिनट, मेरी तबीयत पहले से बेटर है पर ये सब हो क्या रहा है कोई बताएगा मुझे? मामा बताते हैं, आप अभी बैठिए। हाँ जल्दी से। मॉम ये सब अम्मू का आइडिया था कि आज हम घर पे खिचड़ी बनाएं और हम बहुत सिंपल वाली खिचड़ी बना रहे हैं विद वेजिटेबल्स। अच्छा अच्छा हटो मैं बनाती हूँ। आप कुछ नहीं करेंगी और आपको अगर हमारी मदद करनी है तो आप सिर्फ हमें सुपरवाइज करेंगी, बस बताएंगी कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, बस। करेक्ट। अम्मू ने शायद इन दोनों को सब कुछ बता दिया है तभी तो ये दोनों। तो क्या करें? हाँ ये मैं ले जाती हूँ मम्मा। ये दाल चावल उस पानी में सोक करो। अच्छी लग रही है। I'm sure अम्मू खाने में भी उतनी अच्छी होगी। तो तुम मुझसे इतना नाराज हो कि तुम्हें मेरी इंटरव्यू के बारे में पूछना भी नहीं है? नहीं वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है, मुझे ना किसी को फोर्स नहीं करना है। अगर तुम्हें जेन्युइनली नहीं जानना है ना मेरे इंटरव्यू के बारे में तो इट्स ओके, रहने देते हैं ना। अब सारी पढ़ाई एक साथ ही घर डालोगे? चल खाना खा ले। माँ हमने कहा ना हमें बिल्कुल भूख नहीं है। अरे माँ हूँ तेरी, तुझे कब भूख लगती है मुझे अच्छे से पता है। और देख तेरे बाबूजी के नहीं तेरी पसंद का खाना बनाया है, लौकी के कोफ्ते और चने की दाल। नहीं खाना अम्मा हमें। और ये सब क्यों करती हैं आप? हे भगवान, अपने बेटे की पसंद का खाना बनाना कोई अपराध है क्या? माँ हमें अच्छे से पता है आप ये सब क्यों करती हैं। और जब भी आप हमारे पसंद का खाना बनाती हैं ना तो उसके साथ किसी लड़की का रिश्ता परोस देती है। हमें नहीं देखनी कोई लड़की, हम पहले नौकरी ढूंढेंगे उसके बाद ही कुछ। पिछले एक साल से ना मैं तेरी यही बात सुन रही हूँ। सुन इस बार तो बहुत ही बढ़िया रिश्ता आया है। अरे इलाहाबाद के लोग हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। हाँ लड़की ने बीए की है। देख तू ना अपना एग्जाम देते रहना पर समय से अपनी गृहस्थी बसाना बहुत जरूरी है ना बेटा। माँ देखिए हमने आपको कहा है कि हमारे लिए सबसे अधिक अगर कोई चीज जरूरी है तो वो नौकरी ढूंढना, उसके बाद ही कुछ। अच्छा मुझे तो तू समझा ले, पर जब तेरे बाबूजी हार के बिना तुझसे पूछ के इस रिश्ते को हाँ कर देंगे तो फिर मुझे कुछ मत कहना। अरे एक साल से टाल रही हूँ उनको, अब उनको मना करना मेरे बस में नहीं है। हमारे पास इन सब बातों के लिए कोई समय नहीं है, हम जा रहे हैं अपने रूम में पढ़ाई करने के लिए। अरे अरे खाना तो खाते जा, पता था मुझे तू यही बात की रट लगा के रखेगा, इसलिए तकिए के नीचे लड़की का फोटो रख दिया है मैंने। अरे देख लेना बेटा एक बार, राजा बेटा। हम सो रहे हैं, आप भी सो जाइए, गुड नाइट। क्यों इतनी बेरुखी से बात की हमने रचिता जी से? गलती चाहे उनकी हो, माफी मांगने से हम छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे। उनसे बात किए बिना हमारा मन और जीवन दोनों अस्त व्यस्त हो गया है। मंटू नहीं समझेगा हमारी बात, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। खिचड़ी बहुत अच्छी बनी है ना?
तुम तीनों इस तरह मेरा मुंह देखती रहोगी या खिचड़ी खाओगे? मैं आपको और देती हूँ ना मम्मा। अम्मू रिलैक्स, तुम खाओ पहले। अरे पर क्यों? कल आपको एम्प्टी स्टमक, इतने सारे टेस्ट कराने हैं, ब्लड टेस्ट कराना है, तो अच्छे से खाइए प्लीज। देखो अम्मू, मेरी तबीयत पहले से बेटर है बेटा, मुझे ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, और टेस्ट के बाद इन्वेस्टिगेशंस करने होंगे, इतना सारा खर्चा मैं नहीं करना चाहती। मम्मा आपको सोचने की जरूरत नहीं है ये सब खर्चा एंड ऑल, प्लीज आप इन सब की टेंशन मत लीजिए। पर मम्मा हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कल आपको जाना पड़ेगा चेकअप के लिए, ठीक है? और पैसों की बातें प्लीज आप मत करिए, ओके? इससे पहले कि जायज डांट ले, टेस्ट करवा लूंगी मैं, ठीक है? अब खिचड़ी खाओ, चलो। तुमने रत नहीं मॉम, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है, और वैसे भी कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। आपको किसी भी चीज की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप अच्छे से खाइए, रेस्ट कीजिए और अपना पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि हम तीनों तो हैं ही आपके साथ। लेकिन हाँ, एक बात तो सोचनी पड़ेगी आपको, कि कब तक आप हम तीनों के हाथ का बना हुआ खाना यूं सफर कर पाएंगे। मॉम आप बहुत स्ट्रांग है, हमेशा थी और हमेशा रहेंगी। आपने आज तक बहुत कुछ किया है हमारे लिए, आज तक आपकी गाइडेंस के साथ हम चलते आए, और I'm sure आगे भी आप ही हमें गाइड करेंगे। थैंक यू। मिसेज स्नेहा माथुर, प्लीज कम आइए। स्नेहा दीदी यहाँ क्या कर रही हैं? ये भगवान सब ठीक तो है ना? मैम मुट्ठी टाइट बंद कीजिए। प्लीज़ आप पानी पी लीजिए, दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं। मैम फास्टिंग वाला सैंपल ले लिया है, आप 2 घंटे के बाद कुछ खा के आइए, फिर सैंपल लेंगे। जी हम आ जाएंगे। आज के बाद हमारे सामने इस बारे में मुंह खोलने की हिम्मत मत करना, वरना बिगड़े हुए रिश्तों को संवारने के चक्कर में हमारा रिश्ता ना बिगड़ जाए। मालिक ने अगर रिपोर्ट ले ली हो तो चलें। हाँ हाँ सुनो, वो गजानन चौबे की रिपोर्ट होगी। एक मिनट मैडम। कितनी बार आएंगे जाएंगे बेटा, बस बहुत हो गया, मैं थक गई हूँ, चलो घर चलते हैं। डोंट वरी मॉम, बस आप मेरे साथ चलिए, ओके? थैंक यू। थैंक यू। तेरे शहर में